अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू एशियन कुजीन। आज मैं आपको माश दाल की कढ़ाई बनाने की रेसिपी दूंगी। ये होगी तो माश की दाल, लेकिन इसका टेस्ट कढ़ाई गोश्त की तरह होगा, राइट। उसके लिए मैंने ये 250 ग्राम माश की दाल ली है और इसको मैंने उबाल लिया है। इतना उबाला है कि इसका दाना टूटा नहीं है। अभी ये थोड़ी कच्ची है कुछ पकाने में और ये गल जाएगी। सब्जियों में इसमें जाएगा जनाब, एक प्याज है बड़े साइज़ की जिसे मैंने चॉप कर लिया है, तीन टमाटर है मीडियम साइज़ के जिन्हें काट लिया है, एक हरी मिर्च है, हरा धनिया है, थोड़ा सा लीमू हम स्क्वीज़ करेंगे इसमें। और मसालों में इसमें जाएगा जनाब 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकती हैं, 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक पेस्ट, 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी, और ये कढ़ाई गोश्त मसाला ये मैंने घर में बनाया है। मैं इसकी रेसिपी आपको दे दूंगी, तो आप ये 2 टेबल स्पून इसमें डाल सकती हैं। इसको हम सरसों के तेल में बनाएंगे। ये मैंने 1/2 कप सरसों का तेल लिया है। ये एकदम ढाबा स्टाइल आपको माश दाल मिलेगी जो कढ़ाई का टेस्ट होगा जिसमें, राइट। अब हम इसको बनाने की तैयारी करते हैं। देखेंगे, हमने पैन रखा है चूल्हे पे, अब हम इसमें सरसों का तेल डालेंगे। हाफ कप हम सरसों का तेल डाल देंगे। आप चाहे तो नॉर्मल ऑयल भी ले सकती हैं। मैंने डाल दिया इसमें, हम थोड़ी देर इसको पकाएंगे जब तक कि इसका इसमें से धुआं ना निकलने लगे, राइट। देखेंगे हमारा तेल अब गर्म हो चुका है। अब हम इसमें प्याज डाल देंगे, 2 प्याज जो हमने मीडियम साइज के लिए चॉप की थी। प्याज चॉप करके लिएगा, स्लाइस मत लिएगा, राइट। जैसे ये सॉफ्ट होंगी हम इसमें अपने सारे मसाले डालेंगे, टोमेटोज वगैरह और लहसुन अदरक पेस्ट सब डाल के खूब अच्छी तरह हम मसाले को पका देंगे। फिर लास्ट में हमारी दाल को ऑलरेडी बॉयल है तो हम वो डाल के थोड़ा सा पानी डाल के और इसको फिर हम मसाले के साथ भी पकाएंगे। इस तरह हमारी माश की दाल जो है वो फुल कुक हो जाएगी, राइट। देखिए हमारी प्याज अब सॉफ्ट हो चुकी है, हमें ब्राउन नहीं करना। अब हम इसके अंदर लहसुन अदरक पेस्ट डाल देंगे, सारे ये पाउडर स्पाइसेस डाल देंगे, राइट। और ये कढ़ाई गोश्त मसाला जो हमने होममेड बनाया है ये डाल देंगे। कसूरी मेथी हम बिल्कुल लास्ट में डालेंगे, थोड़ा सा हम पानी भी इसमें डाल देंगे। और इसमें हम अपने टोमेटो भी डाल देंगे। अब हम इसे ढक के रख देंगे और पकने देंगे। देखेंगे हमारा मसाला अच्छी तरह भुन चुका है, ऑयल सेपरेट हो गया है। अब हम इसमें अपनी माश की दाल डाल देंगे जो हमने बॉईल करके रखी थी। कुछ जो ये इसमें हमने 98% इसको उबाला है, बाकी जो है वो मसाले के साथ गल जाएगी। खूबसूरत हमारे माश की दाल की कढ़ाई का लुक आया है, देखें बहुत टेस्टी होती है। आप बना के देखें, बच्चों को दाल सब्जी की भी आदत डालें। देखिए हमने इसमें मिक्स कर दिया अच्छी तरह। मैं थोड़ा सा इसमें पानी डालूंगी, हम थोड़ा सा इसमें इतना पानी डालेंगे जिसमें ये गल जाए। साथ में हम
साथ में हम इसके अंदर हरी मिर्ची डाल देंगे थोड़ी सी, और कुछ हम गार्निश के लिए रखेंगे। ये अदरक है, अदरक ज़रूर लाजमी आप उसके अंदर डाला करें माश की दाल में, इससे हाजमा होता है क्योंकि माश की दाल सख्त होती है। और हरा धनिया और कसूरी मेथी हम ये लास्ट में डालेंगे। अब हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए ढक के रख देंगे बिल्कुल स्लो हीट पर, ताकि अच्छी तरह गल जाए। देखिए हमारी दाल माश कढ़ाई अब रेडी है, राइट। अब हम इसमें डिश आउट करेंगे और इसमें हरा मसाला डालेंगे। अभी पहले हम इसमें कसूरी मेथी डालेंगे। हमने थोड़ी सी कसूरी मेथी जो है ये डाल देंगे, ताकि इसमें फ्लेवर कढ़ाई वाला आ जाए। उसके बाद हम इसे गार्निश करेंगे डिश आउट करने के बाद, राइट। देखिए हमारी दाल माश की कढ़ाई अब रेडी है। ये बहुत टेस्टी होती है, बिल्कुल ढाबा स्टाइल। आप इसे चपाती के साथ सर्व कीजिएगा और साथ में रायता और सैलड रख लीजिएगा। बहुत शानदार और बहुत अच्छा टेस्ट इसका होता है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।